नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर लखनऊ के लिए हुए रवाना। एसटीएफ गोरखपुर इकाई की टीम ने अंतरराज्यीय गो तस्करी में वांछित 25,000 के इनामी मिंटू अली उर्फ मिंटू शाह को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक वांछित अभियुक्त विजय यादव को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा। धीरू पासवान सहित उसके तीन साथियों पर कैंट थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा किया दर्ज, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर उत्सव के रूप में मनाया गया आयुष्मान भारत दिवस। जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने योजना के 10 पात्र लोगों को सौंपा आयुष्मान कार्ड, कहा सभी लोग हो जागरूक, ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने में करे सहयोग। उत्तर रेलवे ने खेल सम्मान समारोह आयोजित कर अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर रेलवे स्तर पर विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले पूर्वोत्तर रेलवे के 80 खिलाड़ियों को खेल सम्मान प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया सम्मानित एवं प्रोत्साहित। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ नरसा के संरक्षक अशोक कुमार मिश्र ने कहा, खिलाड़ी और आगे बढ़ चढ़ कर करे प्रदर्शन और देश और रेलवे का नाम करे रोशन। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ सीडीओ संजय कुमार मीना ने की बैठक, किसानों को ज्यादा से ज्यादा केसीसी कार्ड बनवाने का अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा सप्ताह पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत ओडीओपी उत्पादों की 10 दिवसीय प्रदर्शनी का राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने फीता काट कर किया शुभारंभ। प्रदर्शनी का किया अवलोकन, कहा वोकल फॉर लोकल के तहत चुने प्रदेश व देश में बने उत्पाद। डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग गोरखपुर क्षेत्र का चतुर्दश द्विवार्षिक क्षेत्रीय अधिवेशन प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर नरेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। डिप्लोमा इंजीनियर के समस्याओं पर हुई चर्चा। और उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के सभापति एवं उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतराज यादव के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं बैंक कर्मियों ने किया स्वागत, कहा 2 वर्षों में बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारियों के सहयोग से UPLDB बैंक को चलाने का किया प्रयास। अब खबरें विस्तार से। 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। आपको बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे। उन्होंने गीता वाटिका में श्री भाई जी के 130वें जन्मोत्सव के अवसर पर भागवत कथा रचित गृहस्थ संत नित्य लीलालीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की तपोभूमि गीता वाटिका के 130वीं जयंती महोत्सव में भाग लिया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी ने सुबह गौशाला का निरीक्षण कर गायों को और बछड़ों को गुड़ खिलाया। इसके बाद मुख्यमंत्री जनता दरबार में पहुंचे, जहां पर दूर दराज से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और उसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया तथा लखनऊ के लिए रवाना हो गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जो ट्रे मिल गया जो जो तो चल चल चल
आइदरा आ चुपका ले ले आवाज हाँ जा चले एक्सीडेंट कहाँ हुआ है यार? कहाँ हुई है? पखेरा में। उसको देखना, पखेरा का मामला है, संत कबीर नगर। क्या है तय संत कबीर नगर से लेकर आप बताए लेकर जब आपको नंबर आएगा तो क्या है मैं क्या है बताओ, क्या मामला है इनका? एस्टिमेट वगैरह बना लिया? ठीक है, उसमें लिखेंगे, उसमें सहयोग करेंगे और दूसरा जो है वहाँ से भारत सरकार भी इसमें टैक्स वगैरह में कुछ माफ हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का मामला है? ये संत कबीर नगर जिले का, उनको दीजिए कार्रवाई करें। आपका मामला का देवरिया कैसे चढ़ा होगा? कहाँ पे हत्या हुई? ये मथुरा में हत्या हुई। एक बार देखेंगे इनको, बोलोगे बैठ करके ओटीएस के माध्यम से समाधान करें। क्या बात है? इसको देखेंगे संत कबीर नगर। और चिंतन आपने बता दिया ना, क्या करें? क्या बात है? ठीक है, आप बताएं। हेलो रे, हाँ ले, हाँ पकड़ो 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 पकड़ो, बोलो जा, ओ समाज समाज सर डरते नहीं रे, हैं? खाले खाले खाले, देखो देखो खा लो भाई। अच्छा ये लो पकड़ो, खिला दो उसको। एसटीएफ गोरखपुर इकाई ने अंतरराज्यीय स्तर पर गो तस्करी में वांछित 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है, जिसको छपरा बड़ी नहर पुलिया रामकोला रोड थाना पर रौना से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मिंटू अली उर्फ मिंटू शाह पुत्र नूर मोहम्मद शाह निवासी ग्राम दुबौली नारायण शुक्ल थाना गोपालपुर जनपद महाराजगंज बिहार के रूप में हुई है, जिसके पास से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, दो मोबाइल, 520 रुपए नकद, एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त मिंचू ने बताया कि उसके परिवार और पिता व भाई गो तस्करी में लिप्त हैं और वह कई सालों से इस कार्य में लिप्त है। वह भी होश संभालते ही इस गौ तस्करी में लिप्त हो गया था। इसके द्वारा मछली गांव थाना घनघटा जनपद संत कबीर नगर थाना सिकरीगंज क्षेत्र व जनपद गोरखपुर व उसके आसपास जहां भी गाय मिल जाती है उसे चोरी कर तस्करी करता था, जिसको जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसटीएफ गोरखपुर प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह, हेड कांस्टेबल अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, अशोक कुमार सिंह, अभिलाष तिवारी, चंद्रभूषण सिंह, कांस्टेबल रणधीर सिंह सहित अन्य लोग शामिल रहे। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रामपुर हनुमान मंदिर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विजय यादव पुत्र चंद्रिका यादव हाल पता बुद्ध विहार पारसी तारा मंडल थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर अस्थायी पता ग्राम रायपुर थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त 20,000
हजार रुपए का इनामी है जो लोगों से पैसे लेकर एक जमीन को कई बार बेच देता था और पैसा लेकर वापस भी नहीं करता था, जो कि काफी दिनों से वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उप निरीक्षक संदीप कुमार चौधरी, हेड कांस्टेबल धीरेन्द्र यादव, कांस्टेबल हरे किशन शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर की रामगढ़ताल पुलिस को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने 20,000 के इनामिया अपराधी, जो कि भू माफिया भी है, उसका नाम विजय यादव है। विजय यादव जनपद के विभिन्न थानों में एक प्रॉपर्टी डीलर के नाम पर भूमि के खरीद फरोख्त के साथ साथ लोगों से पैसे लेके उनको वापस ना लौटाने, उसके साथ साथ जमीन दिखाने जहाँ पर कोई जमीन ना होना, तथा फर्जी बैनामा कराना, एक एक जमीन को कई बार बेच देना, इस तरह के कई अपराध पिछले कई समय से कारित करता आ रहा है। इस व्यक्ति के खिलाफ 82 CRPC की कार्रवाई भी की गई, 174 का मुकदमा भी दर्ज है, जो कि पिछले काफ़ी समय से वांछित था एवं मफरूर था। तो थाना रामगढ़ताल पुलिस एवं थाना अरुआ बाजार द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में इस 20,000 इनामिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर इसके खिलाफ गैंगस्टर का अभियोग भी पंजीकृत करवाया जाएगा। कैंट थाने की पुलिस ने शातिर अभियुक्त धीरू पासवान सहित उसके 3 साथियों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि कैंट थाने में एक गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एक शातिर चोर धीरू पासवान, जो गैंग का लीडर है, उसके ऊपर 22 चोरी व लूट के मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा इसके 3 साथी धीरू पासवान, अभिषेक सिंह, गब्बर कुमार व चंदन वर्मा गैंग के सदस्य हैं। पिछले 10 सालों से साथ मिलकर चोरियाँ कर रहे थे, जिनके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना कैंट क्षेत्र में आज एक थाना कैंट द्वारा गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें एक शातिर चोर धीरू पासवान, जो कि गैंग का लीडर है, उसके खिलाफ 22 चोरी एवं लूट के मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ गैंगस्टर दर्ज कर 3 अन्य व्यक्ति, जिसके अंदर अभिषेक सिंह, गब्बर कुमार और चंदन वर्मा, जो कि इसके गैंग के सदस्य हैं, ये मिलकर जनपद के विभिन्न थानों में पिछले 10 साल से चोरियां कर रहे थे। इनके खिलाफ आज गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है, उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। थैंक यू। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर विकास भवन के सभागार में आयुष्मान भारत दिवस उत्सव के रूप में मनाया गया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने योजना के 10 पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड सौंपा तथा बेहतर कार्य करने वाले जिले के 3 अस्पताल को भी सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर गरीब को निःशुल्क इलाज दिया जाए। इसी वर्ष आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग जागरूक हों और ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने में सहयोग करें। वहीं CMO डॉ. आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि आयुष्मान कार्ड में पात्र लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष निःशुल्क इलाज की सुविधा अस्पताल में मिलती है, इसलिए योजना के पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें। उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 की सूची के जरिए चयनित लाभार्थियों के साथ सभी अंत नवोदय कार्ड धारक परिवार के सदस्य और श्रम विभाग की ओर से चयनित श्रम कार्ड वाले भवन निर्माण से जुड़े श्रमिक की योजना के लाभार्थी होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉ. आशुतोष कुमार दुबे एवं जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने कहा, हम लोग संयुक्त रूप से इस प्रोग्राम को मनाएंगे। इसमें माननीय हमारी गोरखपुर जनपद की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल करके हम लोगों को उपकृत करने का कष्ट किया है। हमारे मुख्य विकास अधिकारी सर, आपका स्वागत है। नुकसान होता है तो एक का फोर्थ एनिवर्सरी है हमारे बीच में पधारे जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय श्री साधना सिंह, हमारे CMO साहब, मेडिकल स्टाफ की पूरी टीम, हमारे सभी चिकित्सा कर्मी, सभी कर्मचारी तथा मीडिया के सभी
हमारे बंधुओं का सभी का स्वागत है। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया आयुष्मान कार्ड के बारे में, तो हमारा जनपद नंबर ऑफ कार्ड बनाने में तो सेकंड नंबर पे है, लेकिन जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो उसमें हमारी प्रोग्रेस थोड़ी पीछे हो जाती है, क्योंकि हमारे जितने लाभार्थी हैं वो करीब 20 लाख हैं, लेकिन अभी तक हम केवल मोर देन 5 लाख का ही आयुष्मान कार्ड या गोल्डन कार्ड बना पाए हैं। तो उसी संख्या को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने शासन की तरफ से जो एक अभियान आया है, कोई व्यक्ति रूरल एरिया का हो चाहे अर्बन एरिया का हो, चाहे वो किसी भी स्थल पर निवास करता हो, कहीं से जो बिलोंग करता हो, वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। इसमें जो इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है उनमें वो जाके अपना इलाज करा सकता है, 5 लाख तक का इलाज उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसमें हम लोगों ने ये प्रयास किया है, जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो हमारे विलेज एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो VLEs हैं, वो अपना CSC छोड़ के गाँव में नहीं जाते थे, इसीलिए जो हमारे प्रतिदिन की जनपद की प्रोग्रेस होती थी वो 100-150 के आसपास हो पाती थी। अभी ये बढ़कर जब से अभियान हुआ है करीब 900 कल की डेट में हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। हालांकि ये प्रोग्रेस बढ़ी है, लेकिन इसमें अभी भी और सुधार की जरूरत है, क्योंकि अगर हम लोगों को करीब 15 लाख लाभार्थी जो हमारे छूट गए हैं, तो रियली आयुष्मान कार्ड बनाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता। अब हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जो गांव का पंचायत सहायक है, क्योंकि वो उसी गांव में निवास करता है, वहां पर ग्राम सचिवालय में बैठता है, वहीं पर इंटर लाभार्थी को चिन्हित कर उनका आयुष्मान कार्ड बनाए, या उनको बुला ले अपने ग्राम सचिवालय में, क्योंकि वो ग्राम पंचायत में स्थित है, उनको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। कई बार व्यक्ति देना नहीं चाहता है, उसको लगता है अगर हम ओटीपी दे देंगे तो शायद हमारे बैंक अकाउंट से सारा पैसा ही लोग निकाल लेंगे। उस समस्या को दूर रखने के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ हो गई थी कि हम लोग बायोमेट्रिक परचेज करें। जो एक अकाउंट होता है अनटाइड अकाउंट है, उससे जो हमारी फिंगरप्रिंट मशीन है वो परचेज करा के पंचायत सहायक को उपलब्ध करा दें, जिससे ये जो समस्या है जनता है। लेकिन जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, एक ज्वाइंट एफर्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई भी कार्य किसी एक संबंधित विभाग का कभी नहीं होता है। आप सभी से अनुरोध भी रहेगा कि इस चीज़ को आप गाँव लेवल तक पहुँचाएं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और कोशिश, जैसे हम लोगों ने कल की डेट में मोर देन 900 जल्दी से जल्दी हमारा जो जनपद है उसको सैटिस्फाई कर रहा है, यही अनुरोध रहेगा। और इस कार्यक्रम में पधारने के लिए कार्ड हमारे आयुष्मान गोल्डन कार्ड जैसा कि साहब ने कहा 220 मिलना है कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी, जो आपका निधान हो चुका है, यहाँ पे पल्स हॉस्पिटल के डॉक्टर बैठे हैं, आप प्रधान कैसा हॉस्पिटल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उपस्थित यहाँ पर CEO मुख्य चिकित्सा अधिकारी व यहाँ पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया बंधु और यहाँ पर उपस्थित आप सभी उपस्थित व्यक्तियों का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। जैसे कि अभी सभी ने आप लोगों को बताया कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसका आज ही ये दिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के धनबाद से और हमारे मुख्यमंत्री जी ने योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने BRD मेडिकल कॉलेज से आज के दिन 4 वर्ष 2018 में इसको लागू किया। और इसका उद्देश्य सिर्फ एक यही था कि जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर व्यक्ति है, समाज की जो कमज़ोर तबका है, उसको हम लोग कैसे त्वरित स्वास्थ्य लाभ मुहैया क्योंकि गरीब जनता का क्या होता है कि उसको जैसे बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो सकती है, जैसे हार्ट की है, किडनी है या इस तरह की बीमारी जिसका इलाज वो लोग नहीं करा सकते, जाँचें इतनी महंगी हैं कि वो जाँच नहीं करा पाते हैं, तो उसके लिए उन्हें कर्जा लेना पड़ता है या फिर वो एज इट इज मतलब ईश्वर भरोसे में छोड़ते हैं, जो ईश्वर का इलाज होगा देखा जाएगा करते हैं। तो उस इलाज उसको इस चीज़ के लिए कि उनको इस इलाज से मुहैया वंचित ना रह सके, इसलिए सरकार ने ऐसी योजना का शुभारंभ किया।
सुनीता देवी, आचल करम दास, करम सिंकी देवी, देखिए आज हमारी आयुष्मान भारत योजना जो एक विश्व की सबसे अनूठी स्वास्थ्य योजना है उसकी चौथी वर्षगांठ हम लोग मना रहे थे और उसी के उपलक्ष्य में हमने जो है जो जनपद के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय थे जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं उनको सम्मानित किया गया, लाभार्थियों को दिया गया और योजनाओं से लोगों को करने के लिए जो है माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ एकत्र हुए थे। आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर के सम्मानित लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस अनूठी योजना में सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित होने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजना का उपचार कराएँ। जनपद गोरखपुर में 135 से ज़्यादा चिकित्सालय इन पैनल्ड हैं और वहाँ पर सभी उच्च गुणवत्तापूर्ण की सुविधाएँ एक परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख की सुविधा मिलती है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं। आज प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था आयुष्मान भारत, जिससे वो गरीब तबके को स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क उनको इलाज मुहैया करा सकते हैं, उसके 4 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ सब उपस्थित हुए हैं और उसमें हम सभी लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए तैयार हैं। जहाँ भी जिसको जो ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग सभी संभव प्रयास करने के लिए सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगी कि वो जागरूक हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्ड बनाने में सहयोग करें। जो ज़रूरतमंद है उनको सभी को, जो भी और भी उनके आसपास जो जागरूक लोग हैं वो उन सभी को सहयोग करें और उनके कार्ड बनाने में सहयोग करें। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं पूर्वोत्तर रेलवे क्रीडा संघ नरसा के संरक्षक अशोक कुमार मिश्र ने नरसा के तत्वावधान में रेलवे प्रेक्षागृह गोरखपुर में आयोजित खेल सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर रेलवे स्तर पर विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले पूर्वोत्तर रेलवे के 80 खिलाड़ियों को खेल सम्मान प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन नरवो की अध्यक्षा श्रीमती क्षमा मिश्रा सहित सदस्याएं, प्रमुख विभाग अध्यक्ष नरसा के अध्यक्ष योगेश मोहन, महासचिव पंकज कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी उपस्थित थे। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री मिश्र ने पूर्वोत्तर रेलवे क्रीडा संघ की खेल पत्रिका नरसा पत्रिका का विमोचन करने के साथ ही नरसा की वेबसाइट nrsa.in को भी लॉन्च किया। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीडा संघ के महासचिव श्री पंकज कुमार सिंह ने नरसा के गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे की एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने रेस वॉक के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। उनका ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के साथ राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतना स्वयं में एक स्वर्णिम उपलब्धि है। श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में पूर्वोत्तर रेलवे के 3 खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया। बैडमिंटन खिलाड़ी आदित्य यादव का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रतिभावान खिलाड़ी ने डेफ ओलंपिक सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में स्वर्ण पदक प्राप्त कर अन्य खिलाड़ियों के लिए एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि भारतीय रेल के खिलाड़ी भारत के विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन करते हैं और जो रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें भी भाग लेते हैं और काफ़ी पदक जीतते हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे के अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि सभी खिलाड़ियों को एक मंच पर एक साथ सम्मानित किया जाए, उसी संबंध में आज सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि से जिसे पूरा पूर्वोत्तर रेलवे गौरवान्वित है, या खिलाड़ी और आगे चढ़कर प्रदर्शन करें और देश और रेलवे का नाम रोशन करें। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाड़ियों द्वारा एक मनोहरी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की गई। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सहायक क्रीड़ा अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच चंद्र विजय सिंह ने पूर्वोत्तर रेलवे पर नरसा के माध्यम से खेलकूद के अनुकूल वातावरण सृजित करने में नरसा के संरक्षक अशोक कुमार मिश्र, अध्यक्ष योगेश मोहन, महासचिव पंकज कुमार सिंह सहित नरसा के पदाधिकारियों के अतुलनीय सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।
उन्होंने आश्वस्त किया कि पूर्वोत्तर रेलवे पर खेलकूद की गतिविधियां एवं खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए सभी समर्पित हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ नरसा के संरक्षक अशोक कुमार मिश्र ने कहा, कहते हैं अतिथि का स्वागत, अगर हम प्रकृति की गोद यानी कि सुंदर सुंदर पौधों से करें तो अध्यक्ष नरसा से सर हमारे जीम सर को एक ट्री प्लांट देके उनका स्वागत व सम्मान करें। तालियों की गूंज ऐसी होनी चाहिए कि ये धन्यवाद सर से अनुरोध है कि सभी महिला कल्याण संगठन की सदस्याओं को बैच लगा के उनका स्वागत करें, सभी पीएचडीज को बैच लगा के उनका स्वागत व सम्मान करें। इस खेल के प्रांगण में जहां बहुत सारे लोगों को सम्मान मिलना है उस सम्मान के साथ आप सब हमारे साथ जुड़े। दीप प्रज्वलन के साथ होता है, जब दीप जलता है तो तिमर में सर जीएम मैम और महिला कल्याण संगठन की सभी सदस्याएं उच्च अधिकारीगण सर आप लोग मंच पे आए और दीप जलाकर इस कार्यकर्ता की तरफ ले चलो, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। प्रकारक जिसमें चिलमिल चिलमिल कर बरसी असीम अनुकंपा ईश्वर की, और इसी के साथ आपके बीच सभी का आज इस खेल सम्मान समारोह 2022 में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से क्रिएट किया। पिछले वर्ष हम लोगों ने कई गेम्स में पहली बार मेडल्स जीते, एथलीट में पहली बार हमारी एक खिलाड़ी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करी। कॉमनवेल्थ में हम लोगों ने इस वर्ष सिल्वर मेडल जीता, एक और मेडल की संभावना थी, हम लोगों की अपेक्षाएं थी, समाओ रह गई, अगली बार आएगा जरूर। 3 प्लेयर्स सर हमारे पार्टिसिपेट किए थे कॉमनवेल्थ में। हमारे एक कोच की बच्ची जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है, पिछले 3 वर्ष से सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में सर मैं उसे प्रैक्टिस करते हुए देख रहा हूँ। आदित्य यादव नाम है, 13 वर्ष की है, सीनियर खिलाड़ियों के बीच में जाकर उसने डेफ ओलंपिक में मेडल ले आया। अभी एशिया स्तर की एक प्रतियोगिता में भी उसने कई मेडल प्राप्त किए। जब वो सर आपसे सम्मान प्राप्त करने आएगी तो अपने मेडल्स लेकर आएगी सर, बहुत सम्मान का विषय है पूर्वोत्तर रेलवे के लिए जब हमारे परिवार से हमारे खिलाड़ी इस तरह की उपलब्धियाँ हासिल करते हैं। आप सभी जो खिलाड़ी जिनको यहाँ सम्मान मिल रहा है उनको पूरे देश में अनेक सम्मान प्राप्त हुए, लेकिन जब घर में आपको कोई सम्मानित करता है बुलाकर तो एक गर्व की बात होती है। और हमारे आदरणीय महाप्रबंधक संरक्षक पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ सर ने कहा कि एक बार सभी खिलाड़ियों जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा हासिल किया है उनका सम्मान किया जाना चाहिए, और पूर्वोत्तर रेलवे में पहली बार इस तरह का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है।
इसके लिए एक स्मारक का जिसका अभी सर और मैम ने विमोचन किया। आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि ये जो आज शुरू किया जा रहा है सम्मान समारोह, ये बदस्तूर जारी रहे और इसके लिए आप सभी खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की आवश्यकता होगी जिससे कोई इसे बंद ना कर पाए। तो आप लोगों को अपना ये प्रदर्शन इसी भांति जारी रखना है। आदित्य डेफ एशियन चैंपियनशिप थाईलैंड में गोल्ड मेडल, डेफ ओलंपिक गेम्स ब्राजील 2022 में महिला बैडमिंटन एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल आदित्य यादव, तालियां बजानी चाहिए। ये हमारे कोच दिव्य की बेटी है, हमारे बैडमिंटन कोच दिव्य यादव की सुपुत्री आदित्य यादव, रेसली चीफ सेक्रेटरी अगर यहाँ पर हों तो सर प्लीज आप भी मंच पर आए। जूनियर विश्व कुश्ती 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप सितंबर में सर्बिया में भारतीय कुश्ती टीम के कोचर यहाँ पर हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर के रूप में हैं। तालियां बजाकर सारे खिलाड़ी का स्वागत करें उनका। आइए भारत का प्रतिनिधित्व किया सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप भुवनेश्वर में स्वर्ण पदक और सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 22 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया आपके आपने। अरविंद कुमार हैदराबाद में आई भारतीय रेलवे महिला हैंडबॉल टीम के कोच के रूप में स्वर्ण पदक हासिल किया सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल। मंजू यादव वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप पीछे चल चलो पीछे आ जाओ कुश्ती पीछे हो दुबे थोड़ा पीछे हो दुबे। प्रतियोगिताओं में कुश्ती कोच के दायित्वों का शानदार निर्वहन किया है। सुश्री पूनम यादव ने उज्बेकिस्तान में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है। श्री उपेंद्र यादव ने इंडिया ए क्रिकेट टीम से दक्षिण अफ्रीका में आयोजित प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अतिरिक्त हमारे काफ़ी खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न खेल स्पर्धाओं में स्वर्ण रजत कांस्य पदक प्राप्त किया है। हमारे खिलाड़ियों ने लगन परिश्रम अनुशासन एवं नियमित अभ्यास के फलस्वरूप यह मुकाम प्राप्त किया है। हमारे खिलाड़ी आगे भी मिशन बनाकर इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ आप लोगों के माध्यम से और पूरे अपने पूर्वोत्तर रेलवे के सभी कर्मचारियों सभी परिवारों से कहना चाहूँगा कि बचपन में तो सभी खेल खेलते हैं, स्कूल तक खेलते हैं, कॉलेज तक आते हैं तो कुछ कम हो जाते हैं, उसके बाद खिलाड़ियों को छोड़ दें तो बाकी लोग खेल खेलना छोड़ देते हैं और ये कह देते हैं कि उम्र हो गई इसलिए हमने खेलना छोड़ दिया, जबकि ये गलत बात है। असल में उन्होंने खेलना छोड़ दिया होता है इसलिए उनकी उम्र हो जाती है। तो मेरा सबसे ये अनुरोध रहेगा कि सुविधाएं हैं इनका पूरा उपयोग किया जाए और जिसको कुछ डाउट हो, अगर लगता हो कि नहीं हो सकता, तो जो आईपीएल के कुछ सेशन पहले एक प्रवीण तांबे करके खिलाड़ी हुए थे जो काफ़ी लेट उम्र में आईपीएल में उनका प्रदर्शन रहा था, बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा था, उसके बाद में एक फिल्म बनी थी कौन प्रवीण तांबे, तो इसको भी देख लें। और खिलाड़ियों के अलावा मैं अपने सभी हर पूर्वोत्तर रेलवे के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके परिवार से ये अनुरोध करूँगा कि सुविधाएँ हैं रेलवे में, इसका पूर्ण उपयोग करें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें। हमारे खिलाड़ी भारतीय रेल के जो खिलाड़ी हैं भारत के प्रतिनिधित्व कई जगह करते हैं और जो रेलवे की प्रतियोगिताएं होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर भी भाग लेते हैं। उन्होंने काफ़ी इनाम जीते हैं, काफ़ी पदक जीते हैं।
हमें महसूस हुआ कि ये लोग पदक जीतते हैं, इनका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनका सम्मान होता है, देश में सम्मान होता है, राज्य में सम्मान होता है, लेकिन एक मंच पर एक साथ कभी भी हम लोगों ने सारे कर्म जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका सम्मानित नहीं किया। तो एक हमारे स्पोर्ट्स जो सेक्रेटरी हैं और अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने ये पहल की कि एक बार पूरे सबको एक साथ हम लोग सम्मानित करें। और ये इनकी जो उपलब्धि है, इससे पूरा पूर्वोत्तर रेलवे गौरवान्वित है और हम चाहेंगे कि ये लोग आगे और बढ़ चढ़कर प्रदर्शन करें और देश का नाम और रेलवे का नाम बढ़ाएं। देखिए, एक तो रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा है, उसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी में रिक्रूटमेंट होता है, ओपन मार्केट चयन है, बिल्कुल पारदर्शिता है, उसके मानक निर्धारण है, उसके हिसाब से सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करती है। उसके अलावा जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनके कैंप लगते हैं, जब सेलेक्ट कर लिया जाता है, कैंप के लिए दौरान उनको छुट्टी दी जाती है, उनके रहने की व्यवस्था होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है अच्छे ट्रेनर्स द्वारा। उसके बाद जब प्रतियोगिता में पार्ट लेते हैं तो उसके वो भी उनका ड्यूटी नहीं ट्रीट किया जाता है उसको, और जब वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाता है, इंक्रीमेंट दिए जाते हैं। इसके अलावा रेलवे हमेशा से, जब से रेलवे अस्तित्व में आई, स्पोर्ट्स के लिए प्रतिबद्ध रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर लखनऊ के लिए हुए रवाना। एसटीएफ गोरखपुर इकाई की टीम ने अंतरराज्यीय गो तस्करी में वांछित 25,000 के इनामी मिंटू अली उर्फ मिंटू शाह को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक वांछित अभियुक्त विजय यादव को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा। धीरू पासवान सहित उसके तीन साथियों पर कैंट थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा किया दर्ज, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर उत्सव के रूप में मनाया गया आयुष्मान भारत दिवस। जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने योजना के 10 पात्र लोगों को सौंपा आयुष्मान कार्ड, कहा सभी लोग हो जागरूक, ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने में करे सहयोग। उत्तर रेलवे ने खेल सम्मान समारोह आयोजित कर अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर रेलवे स्तर पर विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले पूर्वोत्तर रेलवे के 80 खिलाड़ियों को खेल सम्मान प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया सम्मानित एवं प्रोत्साहित। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ नरसा के संरक्षक अशोक कुमार मिश्र ने कहा, खिलाड़ी और आगे बढ़ चढ़ कर करे प्रदर्शन और देश और रेलवे का नाम करे रोशन। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ सीडीओ संजय कुमार मीना ने की बैठक, किसानों को ज्यादा से ज्यादा केसीसी कार्ड बनवाने का अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा सप्ताह पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत ओडीओपी उत्पादों की 10 दिवसीय प्रदर्शनी का राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने फीता काट कर किया शुभारंभ। प्रदर्शनी का किया अवलोकन, कहा वोकल फॉर लोकल के तहत चुने प्रदेश व देश में बने उत्पाद। डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग गोरखपुर क्षेत्र का चतुर्दश द्विवार्षिक क्षेत्रीय अधिवेशन प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर नरेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। डिप्लोमा इंजीनियर के समस्याओं पर हुई चर्चा। और उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के सभापति एवं उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतराज यादव के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं बैंक कर्मियों ने किया स्वागत, कहा 2 वर्षों में बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारियों के सहयोग से UPLDB बैंक को चलाने का किया प्रयास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
सीडीओ संजय कुमार मीणा ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ विकास भवन में स्थित कार्यालय में बैठक की, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया कि जनपद के किसानों का केसीसी कार्ड बनाने के लिए पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और उनको लक्ष्य दिया गया है कि हर अधिकारी 43 किसानों का फार्म भरवा कर पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जमा करे तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी बैंकों को उपलब्ध करवाए, जिससे बैंक द्वारा केसीसी किसानों को उपलब्ध करवाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने कहा, अगली जानकारी तो मिल गई होगी केसीसी के संबंध में, जो हमारे पशुपालक होता है और इसका टारगेट भी दिया है, हर 3 महीने बाद इस टारगेट की समीक्षा की जाए और जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करना है, उसका प्रोसेस आपको पता है। आप लोगों को केसीसी के फॉर्म्स फिलअप कराने, उन फॉर्म्स को अपने पशु चिकित्सा अधिकारी को आपको उपलब्ध कराना होगा, पशु चिकित्सा अधिकारी उनके पशु चिकित्सा अधिकारी को देंगे और ये आप LDM साहब को देंगे, LDM साहब आगे की कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो जो मेन रोल है वो आप लोगों का ये है, तो मेन तो आप ही का रोल है कि आप कितने वहाँ से केसीसी के फॉर्म इकट्ठा कर पाते हैं। उसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके फॉर्म है उसमें सारी जानकारी फिट रहे, कोई ऐसा मतलब उसमें डिटेल ना भरी है, उसमें जो भी एंट्री है उसको त्रुटिपूर्ण और सही ढंग से आप भरें। और टारगेट आपको बता दिया गया है 1892 के आसपास हमारा टारगेट है, जो इस जुलाई अगस्त और सितंबर का है। क्वार्टर मान लीजिए उसमें 2100 का टारगेट है तो पूरे 2400 हो जाएगा, क्योंकि 300 हमारा बैकलॉग है। तो ये नहीं मानना है कि जितना हमने एक त्रैमास में कर लिया है, हो सकता है उसी क्वार्टर में अचीव कर लें, और उस क्वार्टर में अचीव अगर आप ज़्यादा कर लेंगे तो और अच्छा होगा कि आपको अगले बार में कम करना है, ठीक है। मान लीजिए आपने 1800 दिए गए 2000 अचीव, अगर कहीं किसी को कोई समस्या आती है तो मीटिंग का इंतजार मत करिए, कहीं कोई दिक्कत आती है अपने कंसर्न पर अधिकारी से बात करिए, वीडियो साहब से बात करिए जी। तो 43 आपका टारगेट, सबका 43 ही है, सबका बराबर है, ठीक है, सबका बराबर है और लास्ट में भी सबका बराबर है। तो हर किसी का इस त्रैमास का जो टारगेट है वो 43 टारगेट जो है अचीव कर लेंगे। किसी वजह से अगर कोई 40 पे रह जाएगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरे ने 50 कर लिए होंगे, तो ओवरऑल जो देखिए जो हमारे पशुपालक हैं, बेसिकली किसान ही होते हैं, तो जो किसानों की आय को दुगना करने का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है उसी के तहत जितने भी हमारे किसान ऐसे हैं जो पशुपालन करते हैं, उनका केसीसी कार्ड बनाए जाने के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जितने भी हमारे पशुधन प्रसार अधिकारी हैं उन्होंने प्रतिभाग किया है, उनको लक्ष्य दिया गया है कि प्रति पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा मिनिमम कम से कम हर 3 माह में 43 किसानों का या पशुपालकों का केसीसी कार्ड के संबंध में फॉर्म भराकर संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराएं। संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी अपने क्षेत्र के सभी पशुधन प्रसार अधिकारियों से उन फॉर्म को कलेक्ट करके CBO जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी उनको उपलब्ध कराएंगे, तथा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी उन सभी फॉर्म्स को इकट्ठा करके LDM जो हमारे लीड बैंक मैनेजर हैं उनको उपलब्ध कराएंगे, ताकि बैंकों के माध्यम से KCC की सुविधा हमारे सभी किसानों को और पशुपालकों को उपलब्ध कराई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलने वाले सेवा सप्ताह पखवाड़ा के तहत राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर लोकल फॉर वोकल अभियान के अंतर्गत ODOP उत्पादों की 10 दिवसीय प्रदर्शनी का राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने फीता काट कर शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल प्रदेश व देश में बने उत्पाद चुने, प्रधानमंत्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत वोकल फॉर लोकल प्रदर्शनी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देगी। लोगों को एक जगह पर अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक अवसर मिलेगा तथा बिक्री भी होगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने गोरखपुर के व्यापारियों के बारे में सोचा और एक जनपद एक उत्पाद की योजना लाई। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महानगर महामंत्री इंद्रमणि उपाध्याय, देवी श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, अच्युतानंद शाही, दयानंद शर्मा, ब्रिजेश मणि मिश्रा, शशिकांत सिंह, पद्मा गुप्ता, श्वेता श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार, सुरेंद्र चौबे, रमेश चंद्र गुप्ता, अजमेर
आलम, मनोज अग्रहरी, अनुपमा पांडे, शिवम पांडे, अशोक गुप्ता, मंडल अध्यक्ष सूर्यप्रकाश शर्मा, सत्य स्वीकृत आनंद अग्रहरी, चंद्रपाल सिंह राही, अमितेश्वर पांडे, सिद्धांत घोष, अष्टभुजा श्रीवास्तव, समीर श्रीवास्तव, नीलेश पांडे, पीयूष मिश्रा, अनुभव वाजपेयी, जीतू चौधरी, जितेंद्र सैनी, रितेश सिंह बबलू, देवेंद्र पिंटू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मॉर्निंग वॉक करिए, जो कुर्ता बजा पहन के हम क्या आ जाने हैं वहाँ के लिए, सबके लिए योगा वाले वही जा रहा है 20-25 तो ही ले आ रहा है। तुम्हारा क्या अपने तरफ से ले जा रहा है? ये तुम्हारा है? पेट भरने के लिए चाहिए तो आपकी पार्षद का टिकट तुमको नहीं मिला है। हमारे हमारे महामंत्री हैं। आप लोग कहाँ से हो? सचिन सिद्धार्थ फैशन इंडस्ट्री, सिद्धार्थ फैशन इंडस्ट्री से। अच्छा अच्छा ठीक बेटा, पिपरौली का प्रोडक्ट है यार। अच्छा हाँ, और जींस बनता है अपने गोरखपुर का बना हुआ जींस है यार, ठीक है। ब्रांडेड चीज़ें आधे दर पर ODOP में बनाया जा रहा है। आज तक आप मेरे यहाँ चर्चा नहीं की थी, सहायक निदेशक जी से बस्ती में, आप मुंबई बस्ती में यार कितना मलबरी जो सातूत होती है, सातूत का रेशम का उत्पादन होता है, चार तरीके का रेशम होता है, पत्ती का होता है, सिलाव है, तसर का होता है, जंगलों में होता है, मिर्जा होता है, तीसरा अरंडी का होता है, चौथा मुर्गा होता है जो नॉर्थ ईस्ट में, तो मछली का एक प्लांट होता है जंगली होता है उसमें। पानी लीक नहीं ना करे? नहीं। डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग गोरखपुर क्षेत्र का चतुर्दश द्विवार्षिक क्षेत्रीय अधिवेशन प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर नरेंद्र धर द्विवेदी की अध्यक्षता में PWD सभागार में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र धर द्विवेदी ने बताया कि डिप्लोमा इंजीनियर संघ का क्षेत्रीय अधिवेशन है जिसमें चारों जनपदों के डिप्लोमा इंजीनियर ने भाग लिया है। उन्होंने बताया कि यह अधिवेशन हर 2 साल में जनपद स्तर पर होता है, जिसमें विभाग की गतिविधियां और इंजीनियर की क्या भागीदारी है उस पर चर्चा की गई है। इसके अलावा डिप्लोमा इंजीनियर की समस्याओं पर भी बात की जाती है कि कैसे उनके समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस अवसर पर डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग के महासचिव इंजीनियर GN सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर श्रवण कुमार यादव, महामंत्री इंजीनियर प्रकाश चंद्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर नरेंद्र धर द्विवेदी ने कहा, तमाम हमारे वरिष्ठ साथी दिखाई दे रहे हैं जो संघर्ष कार्यक्रमों में साथ दिखाई देते थे, पदाधिकारियों की और सदस्यों की पहचान संघर्ष के दिनों में होती है। तमाम साथी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, साथियों पांडे जी से सीखने की जरूरत है। पांडे जी ने इस संगठन का पदाधिकारी हो, मैंने एक बात कहा है कि जब संघर्ष के कार्यक्रम होते हैं तो पदाधिकारियों की पहचान होती है। जहाँ आपका विरोधी कर सकते हैं, चाहे जो भी कहें, डिग्री होल्डर्स बड़े बड़े पैसा एकत्र करके बड़े बड़े वकीलों को रखते हैं, उसके समक्ष आपके छोटे ही वकील बहुत कारगर साबित होते हैं, क्योंकि प्रांत लेवल पर जो आपके बैठे पर अधिकारी हैं वो दिन भर अध्ययन करते रहते हैं, एक एक चीजों को निकाल करके आपके उन वकीलों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि मेरा हक कैसे बनता है, और मैं डिप्लोमा होने के बाद केवल इस पद के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए केवल डिप्लोमा होल्डर ही क्यों आहार होगा। मित्रों, आपको इस अधिवेशन की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम
नाम एनडी द्विवेदी, मैं प्रदेश अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से। डिप्लोमा इंजीनियर संघ पीडब्ल्यूडी का क्षेत्रीय अधिवेशन है और इस अधिवेशन में गोरखपुर क्षेत्र के चारों जनपदों के सभी सदस्य भागीदारी करेंगे। इसमें हमारे सभी जूनियर इंजीनियर और प्रोन्नत सहायक अभियंता यहाँ पे उपस्थित हैं। इसी क्रम में हम लोग लखनऊ से पधारे हुए हैं अधिवेशन में सहभागिता करने के लिए। जी क्या मुख्य उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य ये है कि ये हर दो साल पे हमारा अधिवेशन होता है, क्षेत्र स्तर पे, जनपद स्तर पे, प्रांत स्तर पे। उसी क्रम में दो वर्ष पे हमारा अधिवेशन हो रहा है। आज के दिन हम पूरे विभाग में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, हमारी क्या भागीदारी है, उस पर विस्तृत विचार विमर्श करते हैं। सांगठनिक गतिविधियों पर विचार विमर्श करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं और समीक्षा के उपरांत जो नई बातें निकल करके आती हैं उसे हम प्रांत तक पहुँचाते हैं। और उसी क्रम में जो भी स्थिति हमारे प्रांत की होती है वो हम इन सदस्यों के बीच में बताते हैं और उसके पश्चात हम एक नई कार्यकारिणी का चयन भी करते हैं। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के सभापति एवं उत्तर प्रदेश सरकार दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतराज यादव के कार्यकाल दो वर्ष पूरे होने पर रेलवे स्टेशन स्थित एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं बैंक कर्मियों द्वारा उनका स्वागत एवं बुके देकर सम्मान किया गया, जिसके संबंध में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतराज यादव ने बताया कि हमारे कार्यकाल का दो वर्ष पूरा हुआ है। इसी उपलक्ष्य में बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वागत किया। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, जिसकी 323 शाखाएं पूरे प्रदेश में हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती लोगों ने इस बैंक को पूरी तरह से ठप कर दिया था, लेकिन इन दो वर्षों में बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारियों के सहयोग से UPLDB बैंक को चलाने का प्रयास किया। इस अवसर पर गोरखपुर मंडल के DCF चेयरमैन महंत सिंह, राजीव रंजन अग्रवाल, जितेंद्र गौड़, ललन त्रिपाठी, अनिल कुमार पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के सभापति एवं उत्तर प्रदेश सरकार दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतराज यादव ने कहा, आज हमारे कार्यकाल का दो वर्ष पूरा हो रहा है। इस दो वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमारे बैंक के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने एक स्वागत समारोह रखा था। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक जो पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ, जिसकी 323 शाखाएं पूरे प्रदेश में हैं, और मैं दो वर्षों के अंदर कह सकता हूँ कि हमने दो वर्ष में इस बैंक को चलाने का प्रयास किया। हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने इस बैंक को बैठा दिया था, लेकिन हमारे अधिकारी और कर्मचारी मिल करके, सहयोग करके, परिश्रम करके इस बैंक को चलाने का प्रयास किया और आज बैंक चल पड़ा है। आज मुझे कहने में संकोच नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर मंडल जो हमारा कार्य क्षेत्र है, एक डायरेक्टर के नाते, एक निदेशक के नाते जो मेरा कार्य क्षेत्र है गोरखपुर बस्ती मंडल, दोनों मिलाकर के एक मंडल है, यह मंडल पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर एक स्थान पर है। और इसके लिए मैं अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को बधाई देता हूं। इसी निमित्त मेरा आज का यहाँ आना हुआ। आगे चलने की क्या प्रक्रिया? आगे जो बैंक की प्रक्रिया है, किसानों से सीधा संपर्क और संवाद करके बैंक की गतिविधियों को आगे बढ़ाना है हमारा मूल लक्ष्य है। हमारे बैंक के अधिकारी कर्मचारी एक मूल मंत्र को लेकर के चलते हैं, किसानों से संपर्क और संवाद। हम किसानों को लंबी अवधि का ऋण देते हैं, उसके बदले हम ऋण के बदले हम खेती को बंधक बनाते हैं और फिर ऋण को वसूली करते हैं। और मैं कह सकता हूं कि हमारे इस बैंक के कार्य से उत्तर प्रदेश का किसान लाभान्वित हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है, उस मंशा के अनुरूप हमारे बैंक के अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, आगे करते रहें।
गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर लखनऊ के लिए हुए रवाना। एसटीएफ गोरखपुर इकाई की टीम ने अंतरराज्यीय गो तस्करी में वांछित 25,000 के इनामी मिंटू अली उर्फ मिंटू शाह को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक वांछित अभियुक्त विजय यादव को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा। धीरू पासवान सहित उसके तीन साथियों पर कैंट थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा किया दर्ज, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर उत्सव के रूप में मनाया गया आयुष्मान भारत दिवस। जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने योजना के 10 पात्र लोगों को सौंपा आयुष्मान कार्ड, कहा सभी लोग हो जागरूक, ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने में करे सहयोग। पूर्वोत्तर रेलवे ने खेल सम्मान समारोह आयोजित कर अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर रेलवे स्तर पर विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले पूर्वोत्तर रेलवे के 80 खिलाड़ियों को खेल सम्मान प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया सम्मानित एवं प्रोत्साहित। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ नरसा के संरक्षक अशोक कुमार मिश्र ने कहा, खिलाड़ी और आगे बढ़ चढ़ कर करे प्रदर्शन और देश और रेलवे का नाम करे रोशन। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ सीडीओ संजय कुमार मीना ने की बैठक, किसानों को ज्यादा से ज्यादा केसीसी कार्ड बनवाने का अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा सप्ताह पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत ओडीओपी उत्पादों की 10 दिवसीय प्रदर्शनी का राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने फीता काट कर किया शुभारंभ। प्रदर्शनी का किया अवलोकन, कहा वोकल फॉर लोकल के तहत चुने प्रदेश व देश में बने उत्पाद। डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग गोरखपुर क्षेत्र का 14th द्विवार्षिक क्षेत्रीय अधिवेशन प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर नरेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। डिप्लोमा इंजीनियर के समस्याओं पर हुई चर्चा। और उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के सभापति एवं उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संत राज यादव के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं बैंक कर्मियों ने किया स्वागत, कहा 2 वर्षों में बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारियों के सहयोग से UPLDB बैंक को चलाने का किया प्रयास। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।